मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, मैं उसे पहली बार मिल रहा हूं, मैंने उसे पहली बार देखा है, लेकिन उसके शेर मुझ तक पहुंचे हैं, हम सब तक पहुंचे हैं। और जिस हिम्मत के साथ वो शेर पढ़ रहा है, जिस तरीके से वो शेर पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी उसकी खुशबू सात समंदर पार पहुंच गई है। आप सब जानते हैं नौजवान नस्लों में, हमारी नई पीढ़ी में उसकी मकबूलियत, उसकी लोकप्रियता इस बात की गवाही है कि आने वाले कल में हिंदी और उर्दू की सम्मिलित परंपरा को एक बड़ा कवि, एक दुलारा शायर मिलने वाला है। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे खूबसूरत प्रस्तुति के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। राहत भाई को ये हम शुभकामनाओं के साथ जिस पहले कवि को प्रस्तुत करें, उसका नाम है जुबैर अली ताबिश। एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। वैसे तो मेरे मकान तक तू चला आता है, वैसे तो मेरे मकान तक तू चला आता है, फिर अचानक से तेरे जहन में क्या आता है। बहुत अच्छा। वैसे तो मेरे मकान तक तू चला आता है, फिर अचानक से तेरे जहन में क्या आता है। तेरे खत आज लतीफों की तरह लगते हैं। हाय हाय, क्या शेर है ये। तेरे खत आज लतीफों की तरह लगते हैं, खूब हंसता हूं जहां लफ्ज़े वफा आता है। क्या बात है सुबह, जिंदाबाद जी तेरे। वाह, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और देखिए कि जिस्म सारा हटा दिया मैंने। वाह। जिस्म सारा हटा दिया मैंने, इश्क को रास्ता दिया मैंने। वाह। जिस्म सारा हटा दिया मैंने, इश्क को रास्ता दिया मैंने, आज तो दिल के दर्द पर हंस कर दर्द का दिल दुखा दिया मैंने। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर ये भी देखिए कि इस जमाने को जमाने की अदा आती है, इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम हैं हमें सिर्फ वफा आती है। वाह। इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम हैं हमें सिर्फ वफा आती है, चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार। वाह। चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार, तार छेड़ूं तो खनकने की सदा आती है। वाह, अच्छा है, बहुत शुक्रिया। उसकी मेहंदी में चांद देखा है। वाह। उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हां हथेली में चांद देखा है। उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हां हथेली में चांद देखा है, उसने खिड़की से चांद देखा था, हमने खिड़की में चांद देखा है। अच्छा है, अच्छा है, जबर बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। खाली बैठे हो, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म आता कर दो ना। वाह। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म आता कर दो ना, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी। वाह।
ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। एक गजल के कुछ शेर, सितम ढाते हुए सोचा करोगे, वाह, सितम ढाते हुए सोचा करोगे हमारे साथ तुम ऐसा करोगे, वाह। अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे, अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे, मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूं, वाह, मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूं तो क्या इस बात पर झगड़ा करोगे, बताओ वादा करके आओगे ना, वाह, बताओ वादा करके आओगे ना कि पिछली बार के जैसा करोगे। और वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहां तक कार का पीछा करोगे। वो सुना दीजिए, बंसी सब सुर सादे है, जो बंसी सब सुर सादे है सुना दीजिए। एक चार मिसरे मैं आपको सुनाता हूँ, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे बड़े मिले हैं जो अपने छोटों से इतना प्यार करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। उनमें एक कुमार भैया भी है, तो ये चार मिसरे, लव यू, सुनाओ। ये चार मिसरे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फैलाए हैं तो कुमार भैया ने ही फैलाए हैं। वो सुनाता हूँ मैं आपको कि बंसी सब सुर त्यागे है, अद्भुत है, वाह, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी नज्म, पांच छह मिसरों की, वो किसी ने मुझसे कहा था कि वो पढ़ना जरूर, तो मैं सुना देता हूं कि इश्क के ढब से गाफिल हो तुम, वाह, इश्क के ढब से गाफिल हो तुम, सच पूछो तो जाहिल हो तुम, हाथ में पत्थर लेके खड़े हो, क्यों मजनू के पीछे पड़े हो, इश्क के ढब से गाफिल हो तुम, सच पूछो तो जाहिल हो तुम, हाथ में पत्थर लेके खड़े हो, क्यों मजनू के पीछे पड़े हो, देखो ये इंसाफ नहीं है, एक जवां है एक हंसी है, जुर्म बराबर का है यारो, जुर्म बराबर का है यारो, लैला को भी पत्थर मारो। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां जुबैर के लिए बजा दीजिए।